तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एग्ज़ाम स्पेशल एडिटिंग। तो ये जो एडिटिंग है ये बहुत ही बेसिक है और इसमें कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमको लगेगी नहीं गाइस। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पोज में एक पिक्चर क्लिक करा लेनी है। जैसे आपके हाथ में बहुत सारे बुक्स, वो आप पकड़ के इस पोज को आप इजीली क्लिक करा सकते हैं। और देन हम इस बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके हम इसको शेयर करके ओपन कर लेंगे हमारे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सो हमारा बैकग्राउंड है वो आ चुका है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। यहाँ से हम पहले करेंगे ऐड अ फोटो के ऊपर क्लिक। और यहाँ से मैंने इसका बैकग्राउंड है वो पहले इरेज करके रख लिया है और यहाँ से मैं कर देता हूँ ऐड। अगर आपको है जो इसका बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो आप सिंपली आई कार्ड के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसे बैकग्राउंड है वो इरेज होता है। सो अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर के ऊपर करेंगे टैप और हम इसकी पोजिशन को है वो कर लेंगे अरेंज। अब इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। सो अब यहाँ से हम चलेंगे पहले इफेक्ट्स के अंदर और देन हम चलेंगे आर्टिस्टिक के ऊपर। यहाँ से हम इधर सिंपली है वो आपको नीचे आर्टिस्टिक दिख रहा है, हम आपके ऊपर करेंगे क्लिक और देन करेंगे स्वाइप राइट। और यहाँ से हम ले लेंगे फैकल वन को हम क्लिक करेंगे और देन इसके ऊपर सेटिंग्स से ले लेंगे हम इसको मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं हमारे कपड़ों के अंदर एक अलग ही है वो चमक अभी दिख रही है। सो हम यहाँ से इरेजर के ऊपर क्लिक करके हम इसको फेस और हैंड से जल्दी जल्दी रिमूव है वो कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे कपड़ों के अंदर एक अलग ही है वो चमक आ चुकी है। अब यहाँ से हम इसको सिंपली कर लेंगे राइट, आप देख सकते हैं। और हम इसके पोर्शन को देन हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे एडजस्ट करके, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। देन हम इसको करेंगे ऐसे टर्न। सो आप देख सकते हैं हमारे कपड़ों के अंदर एक बहुत ही अलग है वो यूनिक और चमक आ चुकी है। सो अब मैं थोड़ा सा इसको साइड में लेके इसको प्रॉपरली अरेंज है वो मैंने कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एकदम सही लग रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ से हम इसको करेंगे डन। तो आप देख सकते हैं हमारे कपड़े भी बैकग्राउंड से वो मैच कर रहे हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे पहले इफेक्ट्स के अंदर और देन हम चलेंगे प्रीमियम फिल्टर के ऊपर और देन हम यहाँ से करेंगे। आप तो देख सकते हैं आप कोई भी देर तक लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं लगूँगा MV4 का। तो आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देन हम इसको करेंगे ऐसे सिंपली डन। बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही अलग लुक भी आ रहा है। देन हम चलेंगे और यहाँ से और ड्रॉ के टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको करेंगे ड्रॉ के ऊपर। देन हम यहाँ से 3 डॉट्स के ऊपर इसको कर लेंगे सेव। देन हम हमारे पीछे कलरी कैमरा, देन हम इसको शेयर करके ओपन कर लेंगे या एड टू LR कर लेंगे इधर से। और देन ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को करेंगे नीचे और यहाँ से लाइट रूम CC इम्पोर्ट हो रहा है, यहाँ से उसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। और यहाँ से ऑल फोटोज से हमारी जो लेटेस्ट पिक्चर है वो सबसे आ जाएगी ऊपर। देन हम यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर इंपोर्ट हो चुकी है। देन हम चलेंगे लाइट के ऊपर और यहाँ से थोड़ा सा इसको एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि एक्सपोजर थोड़ा सा कम है। कॉन्ट्रास्ट को है वो आप कम या दोनों तरफ ले जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसका मैं कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा हल्का सा हम इसको इक्रीज करेंगे। हाईलाइट्स को है वो थोड़ी सी कम करेंगे। शेडोज़ को आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं, आप दोनों तरफ करके देख सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो शेडोज़ है वो कम रखूँगा। देन वाइट्स को हल्का सा बढ़ाऊँगा और ब्लैक्स को कर दूँगा कम। आप इसके सेटिंग्स देख सकते हैं। देन हम चलेंगे नीचे टेम्परेचर टूल के ऊपर, इधर वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को कर लेंगे कम। देन चलेंगे ऊपर मिक्स टूल के ऊपर, यहाँ से हम ऑरेंज कलर को करेंगे यहाँ से सिंपली सेलेक्ट। फिर दूसरा कोई कलर हमारे पिक्चर के अंदर है नहीं, देन लुमिनेंस को हम थोड़ा सा से बढ़ा देंगे। देन हम इसको सिंपली ऐसे कर लेंगे डन। देन चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, ऐसे क्लैरिटी को ऐड करके विग्नेट को कर देंगे कम। देन हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर, यहाँ से हल्का सा शार्पनिंग हम इसमें ऐड करके डिटेलिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर है वो अभी तक बहुत ही अच्छी है वो निकल के आ चुकी है। आप पहले देखिए पिक्सआर्ट और लाइटरूम के अंदर से हमने बहुत ही अच्छी है वो पिक्चर को बना लिया है। आप देख सकते हैं पिक्सआर्ट के अंदर पैसे एकदम बिना कलर करेक्शन के थी और लाइटरूम के अंदर इसमें एकदम अच्छे से कलर करेक्शन हो गया है। देन हम इसके ऊपर कलेंगे यहाँ से क्लिक और यहाँ से 3 डॉट्स के ऊपर इसको कलेंगे सेव टू डिवाइस, यहाँ से हम इसको कलेंगे ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स ऐसे ही मिलती रहे।